इन दिनों सुष्मिता सेन खूब चर्चाओं में बनी हुई है, अपनी किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि अपने न्यू अफेयर्स को लेकर। जी हाँ, आजकल सुष्मिता मॉडल रामिल शाल को डेट कर रही है। सुष्मिता अपनी गोद ली हुई दोनों बेटियों को सिंगल मदर बनकर बहुत खुश है। 43 साल की सुष्मिता सेन से हर कोई सिर्फ एक ही सवाल करता है कि आखिरकार उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। ऐसा नहीं है कि सुष्मिता की जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया। कहा जाता है कि सुष्मिता को 10 बार मोहब्बत भी हुई है, लेकिन बावजूद इसके इनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाई। चलिए बताते हैं आपको सुष्मिता की अफेयर लिस्ट के बारे में। रणदीप हुड्डा। सुष्मिता सेन और रणदीप हुड्डा ने फिल्म कर्मा और होली की शूटिंग के समय डेटिंग शुरू कर दी थी और उस समय दोनों ने ही अपने रिश्ते को खुलकर एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन काफी टाइम बाद इनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी इन दोनों ने अपनी दोस्ती को बरकरार रखा। विक्रम भट्ट। विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन दोनों 1996 में फिल्म दस्तक की शूटिंग के समय एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। विक्रम ने अपने बचपन के प्यार से शादी की और उनकी 2 साल की बच्ची भी थी। बावजूद इसके सुष्मिता के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था और बाद में वो ऐसा करने पर पछताए भी थे। अनिल अंबानी। एक समय पर खबर थी कि अनिल अंबानी और टीना की शादी खराब चल रही है और उन्होंने सुष्मिता सेन को डेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि खबरें ये थी कि रेनी को सुष्मिता ने गोद ही नहीं लिया बल्कि वो अनिल और सुष्मिता की बायोलॉजिकल बेटी है। वसीम अकरम। पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ भी सुष्मिता सेन काफी लंबे समय तक रिश्ते में रही थी, लेकिन इन दोनों का अफेयर भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। सबीर भाटिया। Hotmail.com के फाउंडर सबीर भाटिया को भी सुष्मिता सेन कुछ समय के लिए डेट कर चुकी है, लेकिन इन दोनों का भी कुछ समय बाद ब्रेकअप हो गया था। रोमन शाल। और आजकल सुष्मिता सेन अपने न्यू अफेयर को लेकर चर्चाएं बटोर रही है। जी हाँ, आजकल सुष्मिता मॉडल रोमन शाल को डेट कर रही है, जिसकी कंफर्मेशन उन्होंने कुछ दिन पहले ही कर दी थी। इतना ही नहीं, सुष्मिता सेन का रोमन के साथ एक हद से ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि नए साल यानी कि 2019 में ये दोनों शादी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये सुष्मिता की लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होगी।